आदाबर्ज दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद है आप एक अच्छा दिन गुजार चुके होंगे और उम्मीद है कि इस बैठक में जब आप आन बैठे होंगे तो बाकी चीज़ें आप छोड़ आए होंगे उकुब में। यहाँ इस बैठक में आने वालों की खास बात यह है, यहाँ बहुत लोग नहीं आते, ना मैं चाहता हूँ बहुत लोग आए, लेकिन जो लोग आते हैं वो मैं बार बार लिखता हूँ इसीलिए कि वो बेदार समाते हैं। बेदार समातों का मतलब ये है कि उन्हें पूरे एतमाद के साथ अल्फाज सौंपे जा सकते हैं, उन्हें पूरे एतमाद के साथ जज्बे और एहसास सौंपे जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। मुझे खुशी होती है कि यहाँ कुछ देर आप दोस्तों के साथ बैठने का मौका मिल जाता है और ये बज़्म खुद अब बड़ी एक हसीन बज़्म बन गई है। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। हर हफ्ते एक मौजू दरपेश होता है, आज भी एक मौजू के साथ हम कुछ पल गुजारेंगे, कोशिश करेंगे कि उस मौजू के साथ तो खैर क्या इंसाफ कर पाए, उस मौजू से जुड़े अपने आप से कुछ मिल पाए। तुझसे बिछड़ कर भी जिंदा था, मर मर कर ये जहर पिया है, चुप रहना आसान नहीं था, बरसों दिल का खून किया है, जो कुछ गुजरी जैसे गुजरी तुझको कब इल्जाम दिया है, अपने हाल पे खुद रोया हूं, खुद ही अपना चाक सिया है, कितनी जानकाही से मैंने तुझको दिल से महव किया है, सन्नाटे की झील में तूने फिर क्यों पत्थर फेंक दिया है। तो आज सन्नाटे की झील में एक पत्थर गिरा और किसी ने कहा कि जब बहुत काम हो, यहां वहां की बेशुमार आवाजें कानों में शोर मचाती दिखाई दें, जब अपने ही ख्वाब तले अपने ही अल्फाज तले अपने ही यहाँ वहाँ के अफआल तले अपना आप दबता महसूस हो, जब हुजूम में तन्हा हो जाने का एहसास उमड़ आए, ऐसे में बेहतर होता है कि पुश्त पर उस वक्त के बस्ते से बचपन के कुछ पल निकाल लाएं, कि जब अपने आसपास कोई एक शख्स भी मौजूद हो तो सारी मोहब्बत समेटी जा सकती है। घर के किसी कोने में अकेले किसी एक खिलौने के साथ घंटों खुद कलामी करते हुए वक्त बिताया जा सकता है। कोई एक अधूरा सा गीत गाते गाते घर से स्कूल तक जाया जा सकता है। जरूरत नहीं पड़ती बहुत लोगों की बचपन में। तो सोचा कि आज वक्त की गठड़ी से, वक्त के बस्ते से कुछ लम्हे निकालना है। आंखों में सावन अटका हुआ है,
आंखों में सावन लटका हुआ है। साल हा साल और एक लम्हा, कोई भी तो ना इनमें बल आया। खुद ही एक दर्प मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। सो सोचा है कि आज बचपन के साथ कुछ वक्त गुजारा जाए। शब चौखट पर बैठ के शब भर ख्वाब से बातें बांट रही है, आती जाती आहट नीली होके धुंध में खो जाती है। टूटा पंखा छत से लटक कर अपनी जान गंवा बैठा है और अब के बस झूल रहा है। ठंडा बिस्तर करवट लेकर उलझी सलवट छोड़ रहा है। सांसें आहों के बखियों से लड़कर मट्टी चाट रही हैं। दम लेने को अब के हवा भी रोशनदान से बाहर कूदी, अंदर एक उदासी उतरी। जिंदा तस्वीरों के नीचे मुर्दा सा एक जिस्म पड़ा है। शायर के इस कमरे में बस सिर्फ खामोशी भौंक रही है। बस एक जिस्म के कम होने ने इससे सब कुछ छीन लिया है। अब ऐसे हालात में आखिर ख्वाब भी थक कर सो जाएं तो रात अकेली रह जाएगी। कभी सोचा है कि परिंदे अपने घोंसले का रास्ता क्यों नहीं भूलते? ये घोंसले आरजी ठिकाना होते हैं, लेकिन कोई परिंदा कहीं ठिकाना कर ले, आरजी ठिकाना भी कर ले, तो भी पहले तिनके से लेके और बच्चे के कंधा थपथपाकर अपनी जिंदगी जी लेने के मशवरे के साथ या इस पूरे वक्त में एक पल भी ऐसा नहीं आता कि कोई परिंदा चंद हफ्तों के उस ठिकाने में अपने घोंसले का रास्ता भूल जाए। मगर बचपन में हम अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। एक खास दायरे से बाहर निकल जाएं, एक खास हलके से बाहर निकल जाएं, तो गलियों में बंधी हुई आशनाई आंखों से धुल जाती है। घर तक पहुंचना खुद से मुश्किल हो जाता है। वक्त बीतता जाता है तो हम ज्यादा से ज्यादा गलियां सीखते जाते हैं घर तक वापस लौट आने की। फिर अल्फाज और आदात सीखते हैं कि उस लफ्ज और उस अदद से अपने घर अपनी गली तक पहुंच जाएं। फिर हम घर का रास्ता नहीं भूलते, मगर अपना रास्ता भूल जाते हैं। घर तक तो पहुंच जाते हैं, मगर खुद तक पहुंचना भूल जाते हैं। खुद तक पहुंचने के लिए भी किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। अपने ही वजूद की कई गलियां अजनबी महसूस होती हैं। मैं तेरे दिल से गुजर कर निकल भी सकता हूं, मैं इस शहर के कई रास्तों से वाकिफ हूं। सो यहां से जरा आगे चलकर फटी सी दरी पर पुराना सा एक आदमी सा मिलेगा, अधूरा सा चेहरा है,
औंधा पड़ा है, एक कासा संभाल ले। भिखारी है पर मांगता कुछ नहीं है। वहां से अगर दाएं मुड़ जाओ तो दुकानों की लंबी कतारें मिलेंगी, महाजिर हैं सारे। वो लकड़ी के खोखे दुकानें हैं उनकी, दुकानों के पीछे ही इंचों में खिंचे हुए उनके घर हैं। ये बाहर से आए थे, मस्जिद में ही आके बसने लगे थे, वहां से निकाले गए हैं जो घर है खुदा का। खुदा के यहाँ इतनी जगह ही कहाँ है, वगरना तो सारे जहां को पना देनी पड़ जाएगी उसको। अच्छा तो हाँ, वो पता मैं बताने लगा था, उसी रास्ते पर दुकानों से आगे वो मस्जिद मिलेगी, वो इब्ने सनाउल्ला सैयद वली खां की मस्जिद। वहां से जरा बाएं मुड़ते ही 9-10 कदम पर बड़ा ढेर एक कूड़े करकट का तुमको नजर आएगा, और मुड़ने से पहले ही तुम सूंघ लोगे। वो घटता तो है और हर रोज बढ़ता भी है, और अब इस इलाके में पहचान का एक निशान बन गया है। मगर उस जगह तुमको रुकने की कोई जरूरत नहीं है, जरा देर सीधे ही चलते चलो तुम, किताबों का एक बाजार आएगा आगे। वहां एक जंग आदूद छज्जे के नीचे से गुजरोगे जब तुम, अंधेरी सड़क दाएं तरफ एक गली से मिलेगी। गली भी नहीं, इसलिए कि वहां कुछ गरीबों ने घर से बनाए हुए हैं। वो घर भी नहीं, इसलिए कि वहां कोई दीवार या कोई खिड़की नहीं, कोई पर्दा नहीं है। गुजरते हुए यूं लगे तुमको शायद किसी सस्ते नॉवेल का नंगा सा एक बाब पढ़ते हुए चल रहे हो। संभल कर निकलना, फिसलने का डर है कि खाते पकाते वहीं पर हैं सारे। मगर इससे बढ़कर ये डर है कहीं तुम किसी जिंदा मुर्दे पे पांव न रख दो, कि एक मरता है और दो पैदा होते हैं रोज उस गली में। गली से निकलते ही आंखों पे जब एक छींटा पड़ेगा चमकती हुई धूप का, तो जरा देर कुछ भी दिखाई ना देगा। जरा आंख मल कर अगर पार देखो तो एक चौक होगा, वहां से बहुत पास है वो सड़क भी कि जिस पर तुम्हें सारे MP KGM के बंगले मिलेंगे। इसी शाहरा पर बहुत आगे जाकर हवाई जहाजों का अड्डा नया बन रहा है। तुम्हें किससे मिलना था, लेकिन नहीं, वो नहीं जानता मैं समझा कि अपने ही घर का पता पूछते तुम यहां आ गए। सो खुद तक पहुंचना आसान नहीं है, कई पटरियां हैं बीच में, कई दरवाजे आते हैं, कई रोशनदान हैं जहां से हवा भी आती है और पुकारें भी। पड़ी है एक शब अभी दिए की लौ गिरा के, फिर तू अपना सांस मत गंवा जरा जरा बचा के। फिर मैं तेरी कोशिशों में था, तू अपने रास्तों पे था, मैं फासले गिना किया, तू इतनी दूर था कि फिर बचपन में चालाकियां नहीं आती, हम शरारत तो करते हैं मगर चालाक नहीं होते। मुझे लगता है बचपन में हम बालिग हो जाने से बहुत ज्यादा अकलमंद होते हैं, बाद में हम जहीन हो जाते हैं, अकल खो देते हैं। आप जो जो बचपन खोएंगे आप तू अकल खोएंगे।
हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां हमें ज़हीन होना सिखाया जाता है। आपने बचपन में किसी बच्चे को झूठ बोलते देखा है? उमूमन तो नहीं बोलते बच्चे झूठ, लेकिन झूठ बोलते भी हैं तो चेहरे पे लिखा होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। वो झूठ सच से ज्यादा मुकद्दस होता है। हम सच और झूठ की एक गलत बहस में उलझे हुए हैं। फितरत मावरा है इससे। जो सच है वो एक झूठ है, जो झूठ है वो एक सच है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये सच्चे झूठ की दुनिया है। हम जिस दुनिया को पीछे छोड़ आए हैं वो झूठे सच की दुनिया थी। हमने जाना नहीं था कि हमारे हाथों में जो ये नोट है ये कागज के अलावा भी क्या है। उस दौर में ये कागज का टुकड़ा मिलता था तो ख्याल ये होता था कि उससे कोई कुल्फी खा ली जाएगी, आइसक्रीम चबा ली जाएगी, कोई पापड़ खरीद लिए जाएंगे। पैसे जमा किए जाते थे तो हदफ जखीरा करना नहीं होता था। स्कूल जाते थे और जेब खर्ची मिला करती थी तो जेब खजाना होती थी। फिर कच्ची सड़क से गुजरते हुए सुबह स्कूल जाते हुए जो पैर रखाते थे, कोशिश करते थे कि उल्टे पैरों उन्हीं पर पैर रखें घर लौटें। तंदूर की रोटियां घर आया करती थीं तो अपने हिस्से की रोटी लेकर इक्तिफा कर लेते थे। उस वक्त सोचा नहीं था कि ये रोटियां किस तगोदो के नाम है। माँ घड़े सर पर रखकर पहलू में पकड़कर कुएं तक जाती थी तो हमें लगता था कि इन घड़ों का बोझ नहीं होता। कई बार तो हम ये फरमाइश भी कर लेते थे कि हमें भी उठा ले। वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ थी। हम किसी बड़े दरख्त, किसी बरगद की एक शाख पर बैठकर आते जाते लोगों को गिन कर वक्त गुजार लेते थे। हमें ज्यादा राबते दरकार नहीं थे। हमारी फ्रेंड लिस्ट 5,000 फ्रेंड्स वाली नहीं थी। गिनती के दोस्त थे जिनसे
जीत जाते थे तो गुमान होता था कि हार गए, हार जाते थे तो कहकहों में जीत जाते थे। चोट किसी दोस्त को लगती थी तो हम अपना घुटना पकड़ लेते थे। हम रोलिया करते थे। जानते हो रोना कितनी बड़ी नेमत है। फिर हमें सिखा दिया गया कि रोते नहीं हैं। हमें सिखा दिया गया कि हमें मजबूत होना है। हमने इस मजबूत होने में सिर्फ आंसू नहीं गंवाए, अपना बचपन भी गंवा दिया। और बचपन नहीं गंवाया, अपना आप गंवा दिया। सवाल यह है कि हम हैं क्या, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, जो मैं हूं क्या मैं यही था, जो तुम हो क्या तुम यही थी। कहते हैं 7 बरस में जिस्म का एक एक खलिया बदल जाता है, मगर हमें तो 7 बरस से बहुत पहले बदल दिया गया। हमें तो हर रोज खलियों के मेटाबॉलिज्म से कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी से बदला गया। हमें तो बताया ही कुछ और गया। अब जो मैं हूं, मैं आईने में देखता हूं तो लगता है जैसे मैं ही हूं, मगर आंख बंद करता हूं तो कोई और मिलता है, बहुत चालाक, बहुत ज़हीन, जिसे सुबोट कर बाल बनाने की फिक्र होती है, कमीज पर कोई सलवट हो तो माथे पर शिकन उगाती है, फिर सारा दिन यहां वहां की खबरों का बोझ ढोते ढोते शब होती है तो ख्वाबों में शाह सुर्खियां चलती हैं। ख्वाब कहां रहे अपने, ख्वाब कहां गए अपने। मुझमें खुशबू बसी उसी की है, मुझ में खुशबू बसी उसी की है, जैसे ये जिंदगी उसी की है। खुद में अपना दुखा रहा हूं दिल इसमें, लेकिन खुशी उसी की है। क्या मेरे ख्वाब भी नहीं मेरे, क्या मेरी नींद भी उसी की है, क्या मेरे ख्वाब भी नहीं मेरे, क्या मेरी नींद भी उसी की है। कुछ अपनी फिक्र ना अपना मलाल करता हूं तो क्या ये कम है तेरी देखभाल करता हूं। मेरी जगह पे कोई और हो तो चीख उठे, मैं अपने आप से इतने सवाल करता हूं। नहीं किसी को जो मेरा ख्याल तो ना सही, मैं खुद भी कौन सा अपना ख्याल करता हूं, मैं खुद भी कौन सा अपना ख्याल करता हूं। हमने समझ लिया है कि जो सादगी है ये कोई बुरी शय है। हमें जाने क्या क्या फजूलियात सिखा दी गई। हम कहकहा लगाएं तो आवाज आती है कि जोर से नहीं हंसते,
हम नजरें उठा के देखें तो कहा जाता है कि नजरें झुका लीजिए, कान में वक्फे वक्फे से आवाज पड़ती रहती है कि नफ्स कोई बुरी शय है, इसे मार दो। मालूम नहीं फितरत ऐसी बुरी शय देती क्यों है जिसे मारना पड़े। नफ्स का मतलब है सेल्फ, यानी जात, जो एक खला है मोहब्बत में वसलो हिजर के बीच। सभी को खौफ उसी दरमियां से आता है जात ऐसी मुकफ्फल के दम नहीं आता। तेरा ख्याल न जाने कहां से आता है। सो सादगी भी बुरी शय है। कोई बच्चा शरारत करे तो कहा जाता है कि तुम चालाक हो, और यह समझा जाता है कि कोई कंप्लीमेंट दिया गया है, तहनियत दी गई है। कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को पीट कर घर आए तो उसे शाबाश दी जाती है। कोई बच्चा रोता हुआ घर आए तो उसे कहा जाता है रोते नहीं है। कोई बच्चा उदासी में गले लगे तो कहा जाता है मजबूत बनो। कोई ख्वाब में डर जाए तो कहते हैं अच्छे अच्छे ख्वाब देखो। तो जो ख्वाब हैं वो भी हमारे नहीं हैं, जो आंसू हैं वो भी हमारे नहीं हैं। फितरत और बचपन आपस में मुंतबक हैं। फितरत को देखना हो या फितरत का कोई चेहरा देखना हो तो किसी बच्चे को देखिए, उस बच्चे को जिसे आपने अभी आलूदा नहीं किया। फितरत मासूम है, बेवकूफ नहीं है। बच्चे मासूम होते हैं, बेवकूफ नहीं होते। फितरत रोती है, उदास होती है, कमजोर नहीं है। रोना कमजोरी की अलामत नहीं है, दुख का इजहार है। किसी अपने से चिमट जाना और दुख के बादल बरसा देना कमजोरी नहीं है, मोहब्बत है। ख्वाब खुद को लौटाना चाहते हैं तो अपने उस जख्मी गिरे हुए टूटे हुए बचपन के टुकड़ों को जोड़िए। किसी और से मिलना है उससे पहले खुद से मिलिए। किसी और को जानना है पहले खुद को तो जानिए। एक बस्ते की जेब में कोई बीते लम्हे तलाश करता है। तो ये बीते लम्हे बचपन है। तलाश कीजिए जिस्म के किसी हिस्से पर बचपन की कोई चोट हो, उसे छूइए, उस लम्हे में पहुंच जाइए जब आप कुर्सी से टेबल से गिरे थे किसी मामूली सी मासूम सी शरारत के पीछे। सीढ़ियों के उस हिस्से को छूइए जहां पांव फिसला था, उस रेलिंग को पकड़िए जो उस रोज हाथ ना आती तो बहुत चोट लगती। गली के उस रास्ते से गुजरिए जो रास्ता अक्सर हाथ पकड़ लेता है और घर ले जाता है, जो
दूसरी गली से गले मिलता है, जो इस घर के ना भटकने का पहला रास्ता था। बाकी गलियां याद नहीं थी। वो दोस्त ढूंढिए जिसे चोट लगती थी तो आप अपना घुटना पकड़ लेते थे। फिर वहां जाके वो सारे सबक वापस लौटा दीजिए समाज को। कोई अपना मिले तो उसके गले लग के बहुत रोइए और उसे बताइए कि ये आंसू कमजोरी के नहीं, मोहब्बत के हैं, क्योंकि ये लम्हा भी गुजर जाना है। और जूं जूं लम्हे गुजर जाते हैं ना, लम्हों पर लम्हों की गर्द पड़ जाती है। लम्हों पर लम्हों की जितनी गर्द पड़ती है उतने ही माजी के निशानात धुंधले पड़ते चले जाते हैं। वजूदे इश्क का कोई सिरा मिला नहीं मिला, खुदी मिली नहीं मिली, खुदा मिला नहीं मिला, तुम्हें हमारी रूह के निशान मिले नहीं मिले, हमें तुम्हारे जिस्म का पता मिला नहीं मिला। ये अहद रद्द का अहद है, सो रस्म मुस्तरद हुई, मसीह वक्त दार पर खड़ा मिला नहीं मिला, जमीने दश्ते याद पर हवाए संगे वक्त थी, कोई निशान देर तक पड़ा मिला नहीं मिला। सो जमीने दश्ते याद पर हवाए संगे वक्त अगर अपने मौजज़े दिखा दे तो यादों के सारे मौजज़े, सारे करिश्मे खत्म हो जाते हैं। कोरोना की बंदिशों में मैंने खुद महसूस किया कि वो वक्त जब मैं घर के बागीचे में पौधों से बातचीत में उनकी देखभाल में सर्फ कर रहा था तो मैं जहनी तनाव से, दिमागी खिंचाव से दूर था। काम में शायद इतना ही या इससे ज्यादा कर रहा था, लेकिन मौसम बदला तो ना मिट्टी में खेलने का मौका मिल पा रहा है, ना इन दोस्त पौधों की देखभाल का मौका मिल रहा है, ना जमीन खोद कर नए बीज दफन करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे लगा कि मैं अपने ही ख्यालात के बोझ तले दफन होता जा रहा हूं और बीज नहीं है कोई कि कोई कोंपल फूटेगी। अपने ही ख्यालात के नीचे दब जाने वाले लोग बांझ होते हैं। और फिर ऐसे में हजार हा लोगों से बात हो सकती है अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से, मगर जो अपने हैं उन्हें छू नहीं पा रहे और इस छुअन के ना होने ने मुलाकात चौथाई कर दी है। पहले दौर में कहते थे खत आधी मुलाकात है, फिर जब ये वीडियो चैट्स और तस्वीरी फीताबंदी हमारे हाथ आई थी तो लगा था कि बस
पूरी मुलाकात ना सही, 3/4 मुलाकात तो हो जाती होगी। मगर सच ये है कि खत की मुलाकात इस मुलाकात से कहीं बेहतर हुआ करती थी, उसमें खुशबू थी। जब खत का सफा पलटा जाता था तो अल्फाज नहीं चिमटते थे, किसी हाथ के पोर चिमट जाया करते थे। लोग खत भेजने से पहले उसमें अपनी खुशबुएं बांध देते थे। तूने खत में फूल बनाकर भेजा था, मैंने मुद्दत खुशबू को महसूस किया। तेरे हिजर का चाकू कितना कारी था, लेकिन जख्मों ने कितना मायूस किया। चलिए खैर, आपसे अच्छा रहा गुफ्तगू रही। मैं तो मुझे मालूम ही नहीं चला कि मुझे इशारे मिलना शुरू हो गए हैं कि बस कीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। मैं देखता हूँ वकार अगर मौजूद हूँ और वो आपके पैगामात पहुँचा पाएँ तो लुत्फ आ जाएगा। वकार को मैं कह देता हूँ, वकार भाई अगर आप मौजूद हैं यहाँ तो बराए मेहरबानी पैगामात इस नंबर पर मुझे भेज दीजिए जिस नंबर से मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे मोबाइल फ़ोन पर मैं लाइव हूँ। तो साहिबो, इस वक्त साथ हमारे हैं मैमूना, असलम, उसी तरह हमारे साथ हैं ताहिर जमान बलोच, हमारे साथ हैं इसरा अहमद, उसी तरह हमारे साथ हैं डॉक्टर तारिक फ़ानी। आप कहते हैं जनाब के गालिब साहब फरमाते हैं कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। ऐसा ही है सर, ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। हिदायत नाजिर आप भी यहाँ हैं, काशिफ भाई आप भी यहाँ हैं, उसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अर्श जियाल, इब्राहिम भाई और ताहिर भाई, दोनों भाई हैं और ये सारा हफ्ता मुख्तलिफ क्लासिकी शोरा के अशार पहुंचाते रहते हैं इंस्टाग्राम पर ही पैगामात की सूरत में। आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर भाई आपका तो ख़ास तौर पर शुक्रिया, मुझे यहाँ इंस्टा पे इस बैठक में आके जो शख्स सबसे पहले मेरे ख्याल में आता है वो ये कि कोई शख्स मौजूद होगा जो इस वक्त अपने पूरे माहौल में इस बज़्म का हिस्सा होगा। इसी तरह अक्सा हैं वो अक्सर इस इतवार का याद करा देती हैं कि आज ये बैठक होना है। उसी तरह शाजिया मौजूद हैं, शाजिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसी तरह यहाँ अंसा मौजूद हैं, अंसा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आबिदा डार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी पैगामात से जुड़ी रहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माहम आप भी यहाँ हैं, फसी भाई आप भी यहाँ मौजूद हैं, आमिर भाई आप भी हैं, और उसी तरह जाफ़र भाई, जाफरी आप भी यहाँ हैं, उसी तरह आमिर शाह आप भी यहाँ मौजूद हैं। मैं यहाँ देख लेता हूँ अगर वकार का कोई, मुझे लगता है कि वकार आज शायद इस बज़्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन वकार अजमत का मैं बता दूँ आपको, वकार अजमत जब मैं मुद्दत पहले आंखें गज़लें आपकी प्रोग्राम किया करता था तो वकार वहाँ उस बैठक का हिस्सा हुआ करते थे फिज़िकली। इब्तदा में इन्होंने इस बैठक को रेडियो पर जब होती थी तो ये इस बैठक में रेडियो सुनने के एतबार से यानी सामे बेदार समात के तौर पर इसका हिस्सा बने, लेकिन बाद में फिर उनसे आर्ट्स काउंसिल कराची में मुलाकात हुई और फिर उसके बाद ये तब से साथ साथ हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये 2004 की बात, वकार तब से साथ हैं। आप दुबई में होते हैं और सवाल नामा एक प्रोग्राम है वो भी करते हैं। वकार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सदफ़ मौजूद हैं, सदफ़ भी उस वक्त एक नन्नी मुन्नी लड़की के तौर पर 2003-2004 में या 2005 में मुलाकात हुई थी इनसे अपना कराची 107 पर ही, तब से सदफ़ भी मौजूद हैं और साथ मौजूद रहती हैं। जायदा निसार आप भी यहाँ हैं, उसी तरह काशिफ भाई आप भी मौजूद हैं। इब्राहिम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बेहद मोहब्बती शख्स हैं। उसी तरह ताहिर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं किसी का नाम ना ले पाया हूँ तो मेरी माजरत कबूल कीजिएगा। इस तरह ये हमारे हैं
मुसर्रत परवेज भाई आप भी यहाँ हैं, अवेस भाई आप भी यहाँ हैं, कोई नाम अगर मुझसे मिस हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस वक्त लाइव हूँ तो लाइव में बड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के नाम लेना। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। बचपन के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। इब्राहिम भाई कहते हैं कि बचपन का हिसाब कुछ यूँ है मेरी सोच से कि जो जो इंसान बचपन की तरफ बढ़ता है बचपन की ज़्यादा शिद्दत से याद आना शुरू हो जाती है। देखिए मेरी मेरी राय में इब्राहिम भाई, बात यह है कि ये सारी चीज़ें रिलेटिव हैं। देखना ये होगा कि हमने अपना आप आलूदा कितना किया है। हम देखना ये होगा कि आपके अंदर जो आप फितरी आप हैं वो कितने बाकी बचे हैं, क्योंकि आलूदगी बहुत है हमारे यहाँ। नज़रियात की आलूदगी, समाज की आलूदगी, माश की आलूदगी, सकाफत की आलूदगी, आप पर इतने बोझ हैं कि आप उसमें रहते नहीं, और अगर कोई रहता है तो बड़ा मुश्किल काम है। मुझे तो वो लोग बेहद मुकद्दस लगते हैं जो इस सारी आलूदगी में अपना आप बचा लेते हैं, इस सारे धुएं में अगर अपना चेहरा वाज़े और रोशन रखते हैं तो वो वाकई गैर मामूली लोग हैं, वो वाकई काबिल तकलीद और काबिल मोहब्बत लोग हैं। बीनिश जावेद हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बीनिश। बीनिश हमारी कुलीग भी हैं और हमारी छोटी बहन भी हैं जी। बीनिश बहुत बहुत शुक्रिया। उसी तरह अक्सा आप यहाँ हैं, इसरार भाई आप भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे दोस्त हैं भाई, मुझे मालूम नहीं था कितने सारे दोस्त शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले इतवार को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे, यानी इतवार और पीर की दरमियानी शब रात 12 बजे, यहीं पर इंस्टाग्राम पर। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी दुआओं में अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा। कोई गुफ्तगू हो, कोई ऐसा मौजू जिस पर आप चाहते हो कि गुफ्तगू हो, तो वो मुझे यहाँ आप भेज दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।